लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स देखने के लिए आम आदमी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन दबाना ना भूलें। ट्रैक्टर को चलाता ये व्यक्ति कोई ड्राइवर या नगर निगम का कर्मी नहीं है, बल्कि ये एक डॉक्टर है। और इस डॉक्टर के इस तरह ट्रैक्टर चलाने के पीछे क्या कहानी छिपी हुई है, आइए आपको बताते हैं। इस कोरोना काल में इतनी बड़ी महामारी से अगर हम लड़ पा रहे हैं, तो उसके पीछे हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो कई कई दिन अपने घर जाए बिना कोविड पेशेंट की सेवा में लगे हुए हैं। हमारे कोरोना वॉरियर्स अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं, उसका एक उदाहरण तेलंगाना के इस घटना से मिलता है। तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में कोरोना वायरस के चलते सरकारी अस्पताल में एक मरीज की मौत हो गई। एम्बुलेंस की कमी के कारण जब बहुत देर तक उसे शमशान नहीं भेजा जा सका, तो डॉक्टर श्रीराम ने नगर निगम से मदद मांगी। नगर निगम ने हॉस्पिटल में एक ट्रैक्टर भेज दिया, लेकिन जब ड्राइवर को ये मालूम हुआ कि इस ट्रैक्टर में कोरोना पॉजिटिव बॉडी लेकर जानी है, तो भय के कारण उसने जाने से मना कर दिया। डॉक्टर श्रीराम ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं समझा। इसके बाद उनका डर दूर करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर श्रीराम ने खुद PPE किट पहनी और ट्रैक्टर चलाकर शमशान तक ले गए। खबरों के मुताबिक श्रीराम ने बताया है, मैंने जो कुछ किया वो मेरी ड्यूटी का हिस्सा था। मरीज की मौत हुए 6 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। उनके परिवारजन परेशान हो रहे थे। अस्पताल का स्टाफ भी डेड बॉडी पड़े हुए देख चिंतित हो रहा था। अब चूंकि मैं शहर का सर्विलांस ऑफिसर हूं, इसलिए मैंने ही डेड बॉडी ले जाने का फैसला किया। ये हमारी ड्यूटी है कि किसी भी मृतक का अंतिम संस्कार सही तरीके से पूरा हो। गौरतलब हो कि जिस मरीज की मौत हुई थी, वो 10 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और होम आइसोलेशन में था। 12 जुलाई को तबीयत ज्यादा बिगड़ने की वजह से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस अस्पताल में कोविड से मौत का ये पहला मामला था। अस्पताल के पास एम्बुलेंस और शवगृह जैसी कोई भी सुविधा नहीं है। हॉस्पिटल ने डेड बॉडी पैक करने वाले कवर बैग में बॉडी तो पैक कर दी, लेकिन उसको ले जाने वाला कोई नहीं था, जिसके बाद डॉक्टर श्रीराम ने खुद ट्रैक्टर चलाकर शव को शमशान तक पहुंचाया। डॉक्टर श्रीराम का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, जिसके बाद लोग उन्हें रियल हीरो बता रहे हैं। साथ ही तेलंगाना के वित्त मंत्री टी. हरीश राव ने भी डॉक्टर श्रीराम की तारीफ की है।